गाइस, तो अभी आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख पा रहे हैं ना, इस टाइप की वीडियो इंस्टाग्राम रील्स में पहले भी वायरल होती थी, अभी भी वायरल हो रही है। अब रिसेंटली मैंने क्या करा कि कल मैंने ये वीडियो डाली मेरे इंस्टाग्राम रील्स में, तो बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए कि ऐसी वीडियोस कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यार लोग ये सोचते हैं इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए बहुत हैवी एडिटिंग आनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको एक ईजिएस्ट मेथड बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग इस टाइप की वीडियो सिर्फ एक क्लिक में बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं चल रहा हूँ, आइट साइड आउटलाइन आ रही है, फिर एकदम से इफेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक क्लिक करा है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, मतलब ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आप लोग इस तरीके की वीडियो एडिट करके इंस्टाग्राम रील्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब हम लोगों को सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है, वो कैसे करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम लोगों को किसी भी ब्राउजर में आ जाना है एंड सर्च करना है manishforyou.in। अब जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को सर्च बार में टाइप करना है GoCut। GoCut यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, एंटर करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे एक आर्टिकल आ जाएगा, रीड मोर पे क्लिक करना है हम लोगों को। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में हम लोगों को जाना है यहाँ पे, एंड हम लोगों को एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा ये वाला, तो यहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपको पैकेज इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को इस यहां के थ्रू। अब मैंने इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं। तो यहां पे ये GoCut नाम है इस ऐप का, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूं। तो हम लोग सिंपली ऐप को ओपन करना है इस तरीके से, यहां से ओपन करते हैं ऐप को। तो गाइस, ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा आपको, जैसा अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये वाला जैसे इफेक्ट ज्यादातर इंस्टाग्राम रील्स में चल रहा है, ये वाला एक देख सकते हैं, जो मैंने बनाया था वो ये वाला इफेक्ट है। तो यहाँ पे आपको सारे इफेक्ट्स बिल्कुल फ्री में है और आपको कुछ भी नहीं करना, सारे इफेक्ट्स को एक बार में यूज करना है। अब कैसे यूज करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ये वाला इफेक्ट बहुत ज्यादा चल रहा है रील्स में, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोगों को एक्सेस देना पड़ेगा स्टोरेज का, ताकि हम लोग यहाँ पे वो सेव कर सकें। तो एक्सेस देने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारी सारी वीडियोस आ जाएंगी, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जितनी वीडियोस हमारी आ गई हैं, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रेडी कर रखी है स्लो फास्ट मोशन में। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको स्लो फास्ट मोशन वीडियोस बनाना नहीं आता, तो इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि ये इफेक्ट इस टाइप से यहाँ पे शो हो रहा है, देखो। तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये स्लो टाइप हो रहा है, ये हमारे वीडियोस में यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, पर ये इतना सही नहीं लग रहा। आई डोंट नो क्यों इस पे इतना जम नहीं रहा है, लेकिन अगर आप लोग जैसे यहाँ पे दूसरे इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, जैसे अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला इफेक्ट आपके वीडियो के हिसाब से सही नहीं लग रहा, तो आप लोग ये वाला इफेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो पे ऑलरेडी टेस्ट कर रखा था, ये वाला इफेक्ट बहुत परफेक्ट आ रहा है इस वाली वीडियो पे। तो हम लोगों को पहले तो इफेक्ट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को क्या करना है कि ये 90% 100% जो भी हो कंप्लीट हो जाएगा इफेक्ट, पहले तो हमको डाउनलोड ही करना पड़ेगा, उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 96% हो गया, 100% हो गया, एंड यूज़ पे अब हम लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब वीडियो को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो इस टाइप का यहाँ पे ये लोडिंग होगा, क्योंकि इफेक्ट उस वीडियो पे एडजस्ट होगा, बिल्कुल फिट होगा उस पे। उसके बाद यहाँ पे हमारी इस टाइप से लोडिंग होगा। तो लोडिंग हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मैंने अभी रील्स में वीडियोज डाली थी वो बिल्कुल इस टाइप से। देखिए यहाँ पे आउटलाइन आ रही है, फिर यहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं मेरे, जो तीन इफेक्ट्स हो जाएंगे एक साथ। तो इस तरीके से मैंने ये ना वीडियो क्रिएट करी थी। अब यहाँ पे जैसे अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस करने यहाँ पे, तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको VFX हटाना है, तो VFX यहाँ पे और भी अलग अलग आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको बढ़िया लग रहा है रील्स, अपनी रील्स के लिए, या फिर अगर आप आपकी कंट्री में TikTok भी चलता है, तो आप TikTok के लिए भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के ढेरों बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने तो एक यूज करके बताया। अब आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देखने की आप लोगों ने किस तरीके से वीडियोस बनाई है, क्योंकि आप लोग अगर डांस वाली बनाते हो तो आपको अलग टाइप का इफेक्ट देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेरों इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अब उसके बाद अगर आप लोगों को ब्रश वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका आप यूज कर सकते हैं, अगर आपको कुछ चीजें एडजस्ट करनी है फ्रेम पर सेकंड पे कुछ भी, तो इसको मैं राइट पे क्लिक कर देता हूं। ऐसा कुछ नहीं करना चाहता मैं, इस पे राइट पे क्लिक कर देते हैं हम लोग। और यहां पे हम लोग जो देखेंगे, यहां पे और भी स्टिकर्स के ऑप्शन है, अगर आपको क्लिप वगैरह एडिट करनी है, मतलब कुछ रिमूव पार्ट करना है तो कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब उसके बाद हम लोग म्यूजिक पे क्लिक करते हैं। म्यूजिक पे क्लिक करने का साउंड इफेक्ट्स में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन साउंड जो यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको शो करेंगे। इन डिवाइस में जो आपके फोन में सारे सॉन्ग्स है उनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई सॉन्ग ऐड करना है, जस्ट ऐड पे क्लिक करना है,
और उस सॉन्ग को आप अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि एक बार वीडियो प्ले करके देख लेना है कि परफेक्ट बन गई है। इसमें तो ये मेरा मोबाइल थोड़ा सा हैंग मार रहा है, बट ऐसा नहीं होगा, वीडियो हम लोग सेव करेंगे तो परफेक्ट वीडियो सेव होगी, मैं आपको प्ले करके भी बताऊंगा। तो सेव पे क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रही है हमारी वीडियो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको एक बार प्ले करके बता देता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे हैंग मार रहा है तो वीडियो भी हैंग मारेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वीडियो वाले सेक्शन में चलते हैं। ये रही हमारी वीडियो और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और जैसे मैंने स्लो एंड फास्ट मोशन बनाया था तो उसका लिंक तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोस में, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरीके की वीडियो ना आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम रील्स के लिए या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए कलरफुल इफेक्ट्स वाली वीडियोस कैसे बना सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।